में आप कौन से प्रोडक्ट के साथ सेक्स कर सकते हो, मेंस्ट्रुअल डिस या मेंस्ट्रुअल कप? चलो बता करते हैं। मेंस्ट्रुअल कप का तो यू नो ऐसा एक स्टेम होता है, फिर आपको ऐसा फोल्ड करना होता है। इमेजिन दिस टू बी अ वजाइनल कैनाल एंड ये आपका सर्विक्स है, तो जैसे ही आप इसको अंदर डालते हो वो खुल जाता है, तो सर्विक्स के थोड़े नीचे ही होता है वो। अब रही बात मेंस्ट्रुअल डिस्क की, इसमें कोई स्टेम नहीं है और नाम और दिखने में आपको पता ही चल रहा है, इट्स अ राउंड लाइक कप इन शेप। सेम वे है, मेंस्ट्रुअल डिस्क को ऐसे फोल्ड करो, वजाइना कैनाल के अंदर डालो, लेकिन ये है ना थोड़ा ऊपर की तरफ जाके बैठता है व्हेन कंपेयर टू मेंस्ट्रुअल कप। तो अभी कप जब इंसर्टेड है और आप पेनिट्रेटिव सेक्स कर रहे हो तो यू माइट फील दिस स्टेम ना, तो अनकंफर्टेबल होगा। सो मेंस्ट्रुअल कप इज नॉट योर आइडियल ऑप्शन फॉर हैविंग सेक्स ड्यूरिंग पीरियड्स। रही बात मेंस्ट्रुअल डिस्क की, जैसे मैंने आपको बोला ना कि वो और अंदर की तरफ जाता है, सो व्हेन यू आर हैविंग पेनिट्रेटिव सेक्स तो ये कप फील नहीं होगा आपके और आपके पार्टनर को, लेकिन मेंस्ट्रुअल डिस्क में भी यू विल हैव टू इंसर्ट इट प्रॉपरली। बी ऑफ कोर्स यार, इफ यू आर हैविंग अ रफ एंड वाइल्ड सेक्स सो देयर माइट बी चांसेस कि डिस्क की पोजीशन शिफ्ट हो जाए, बट रेयर है। अब ये पता करने के लिए इट इज बेटर यू टेक अ ड्राइव योरसेल्फ। So yeah, I hope you guys learned something new. Comment below this if you want a detailed video on the major differences between a cup and a disc.